बेटा नाउ इन स्टेप नंबर थर्ड वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टेप थर्ड में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, ठीक है बेटा, स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, m का पावर b है, m का पावर 0 है, हो गया b रेज पावर 0, b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। l के दोनों साइडों से पावर को कंपेयर करना है, a माइनस 3b प्लस c, a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक, क्लियर बेटा। अच्छा, लास्ट में माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, c इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसका मतलब हमारे पास c का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, क्लियर बेटा। अब b और c का वैल्यू हम लगाएंगे थर्ड में, ठीक है बेटा, यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ इन थर्ड। सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में लगाएंगे। a निकल जाएगा हमारे पास a माइनस 3, b कितना है बेटा 0, प्लस c कितना है, c है 1/2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। ये हो गया बेटा 0, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 इधर जाएगा, हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1, हो गया a इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ठीक है बेटा। a b का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया, क्लियर बेटा। अब है यहां पर स्टेप नंबर फोर्थ, शाबाश, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ, सबस्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज a के, b के और c के, किसमें बेटा इक्वेशन फर्स्ट में, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए और आप लोग बता दीजिए क्या आएगी इक्वेशन फर्स्ट। v इज इक्वल के लैम्डा, लैम्डा का पावर है a, a कितना आया है 1/2, रो रेज पावर b, b का पावर कितना है 0, शाबाश। g, g का पावर तो c है, c कितना आया 1/2। बेटा एनीथिंग रेज पावर 0, किसी पर भी पावर अगर 0 होता है बेटा उसका वैल्यू होता है 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, शाबाश बेटा। क्या आएगा, v इज इक्वल टू k लैम्डा c, लैम्डा पर भी पावर, लैम्डा c नहीं है, यह है g, क्योंकि g के पावर है c, लैम्डा और g है बेटा, दोनों का पावर क्या है बेटा 1/2, दोनों का पावर 1/2 है, तो v किसके बराबर आएगा k रूट ऑफ, क्योंकि 1/2 के बजाय हम लगाएंगे रूट लैम्डा जी। बेटा दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर वाटर वेव्स, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वाटर वेव्स के लिए, क्लियर बेटा, क्लियर। ये आ गया आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, थैंक यू।